गुड मॉर्निंग एवरीडी, कैसे हो लोग, अच्छे होंगे। फिलहाल देख सकते हो दोस्तों, आज फिर से हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और फिलहाल आप लोग कैसे, आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल देख सकते हो दोस्तों, आज का वीडियो भी इमेजिंग होने वाला। देख सकते हो चारों तरफ दोस्तों धूप निकल चुकी है, हल्के हल्के बादल का कहीं नजारा नहीं। फिलहाल हमारा वीडियो भी स्टार्ट हो चुका है, पता है नेक्स्ट राइड स्टार्ट होने वाली। मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अभी का दोस्तों टाइम हो रहा है 8:30, लगभग 9 बज रहे होंगे फिलहाल मेरे हिसाब से। और दोस्तों आज की तैयारी करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज एक स्पेशल टूर है दोस्तों, जो इमेजिंग जगह दोस्तों मैं ले जाने वाला हूँ। फिलहाल देखोगे आप तो बहुत अच्छा मजा आने वाला दोस्तों, क्योंकि वहाँ का बहुत पुराना रहस्य है, ऐसा मंदिर है दोस्तों। वहाँ पर ले जाने के बाद में पता लगेगा, अभी तक तो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, उस समय बताऊँगा जब ले जाऊँगा ना आपको, तो वहीं बता दूँगा कौन सी लोकेशन है। तो दोस्तों चलने की तैयारी करते हैं, और आप लोग कैसे, आप लोग अच्छे होंगे फिलहाल देख सकते हो दोस्तों। और अब जाने की तैयारी करते हैं, ये हमारी बाइक है, अब निकलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग, अच्छे होंगे फिलहाल देख सकते हो दोस्तों। अभी का टाइम और 1 बज चुके हैं दोस्तों। फिलहाल मैं बता दूं आपको मैं क्या कहाँ ले जाने वाला, सॉरी आज मैं दोस्तों आपको ले जाना हूँ मेरे गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत शानदार तीर्थ स्थल है, जहाँ पर एक माता जी है जो दोस्तों शराब पीती है। और वो तीर्थ स्थल ऐसा इमेजिंग होने वाला, आपको दिखाऊंगा मैं ले जाकर, तो आप देखोगे। फिलहाल ओरिजिनलिटी में ना वहाँ पर माता जी शराब पीती है 2.5 प्याला, आप देख लेना यूट्यूब पर सर्च करके, 2.5 प्याला माता जी जो पीती है ना दोस्तों, देखोगे तो फिलहाल आप देखते रह जाओ, इतनी मायावी और इतनी क्या बोलते हैं यार, सॉरी पता नहीं क्या बोलते हैं, काफ़ी शब्द आपको बोलने के लायक, तो भी बता दूँ चमत्कारी मंदिर है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ले चलता हूँ आपको, चलो दोस्तों चलते हैं वहाँ का, दिखा के आपको नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों, फिलहाल चलते हैं। Thank you.
हेलो गाइस, देख सकते हो बवाल माता जी हम पहुंच चुके हैं। मैं दिखाता हूं बवाल माता जी का आपको नज़ारा। फिलहाल चलते हैं दोस्तों और आगे दिखाता हूं क्या रंग रोशन माता जी कैसे दिखते हैं। हेलो गाइस, देख सकते हो मैं भवाल माता जी पहुंच चुका हूं और अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। भवाल माता जी जो शराब पीती है वो कैसे पीती है वो हर कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। फिलहाल चलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको पूरा नज़ारा आज कैसा दिन होगा दोस्तों। अब चलो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं और देख सकते हो आप, अब आपको नज़ारा दिखाता हूं माता जी महाराज का। देख सकते हो मैं महाराज जी से मिलाऊंगा और अभी देखोगे आप फिलहाल उनसे विचार विमर्श करेंगे कि क्या होता है ये माता जी शराब क्यों पीती है, कारण क्या शराब पीने का। फिलहाल दोस्तों आने दो, महाराज जी को मिलाता हूं मैं आपको। ये देख सकते हो दोस्तों महाराज ये माता जी की फेरी खा रहे हैं। फिलहाल देख सकते हो आगे देखते हैं। दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं उनसे बात करवाता हूँ आपको। फिलहाल देख सकते हो इनका इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था। फिलहाल दोस्तों देख सकते हो महाराज से बात करते हैं। हाँ बताइए भैया। ये विक्रम संवत 1170 के अंदर बनाया गया है मंदिर। अच्छा, डाकू लोगों द्वारा बनाया गया। डाकू लोग एक गाँव में लूट करके भाग रहे थे तो उनके पीछे उस जमाने की पुलिस पड़ गई थी। तो उन्होंने उस समय यहाँ पे पेड़ के नीचे साइड माता जवाब जी की मूर्ति थी। उन्होंने माता जवाब जी से प्रेयर की कि माता जवाब जी अगर आप हमें बचा लोगे तो हम आपके यहाँ पे मंदिर बना देंगे जितना भी लुटा हुआ था ना उस। तो उन्होंने उस समय माता जवाब जी ने चमत्कार दिखा के उनको बचाया। फिर उनको बाद में जैसे उनको ध्यान आया तो उस समय उन्होंने मंदिर बनवाया उन रुपये से। और उसके बाद में उनके पास था मदिरा, होता ना दाल जो अभी भी चढ़ता है अंदर की साइड। एक काल की माता जी है, एक ब्रह्माणी माता जी है। दोनों के पैर काल की माता जी के ढाई वेला शराब चढ़ता है और ब्रह्माणी माता जी के मीठा प्रसाद चढ़ता है। उस समय से ही मदिरे का सेवन होता है काल की माता जी का। ढाई वेला काल की माता जी के चढ़ता है
उनके पास डायपेला करने बाद में ब्रह्माणी माता जी के पास में काले भैरू जी हैं। तो मैंने सुना था कि यहाँ पर तो कुछ सेना थी, राजा था, उसके युद्ध हुआ था उस समय। हाँ तो मैंने एक बात और सुनी थी, इनको शायद गुजर को डाकुओं को बनाया था कि कुछ जानवर बनाया गया। नहीं नहीं, डाकू लोगों ने बनाया गया था, डाकू लोगों को जानवर बनाया गया था जिससे मैं बचाया था, उस समय उनको भेड़ बकरी बना के बचाया गया। उसके बाद में जैसे कि उनको अभी इंसान बनाया, उस समय उन्होंने ही मंदिर बनाया। कौन से सर में हुआ था ये? विक्रम शर्मा जी 1170 की बात है, 1100 कम्प्लीट हो गया था 1170 में। विक्रम शर्मा जी 1170 900,000 साल हो गए, कितने साल पुराना हो गया है? 900,000 साल पुराना। विक्रम शर्मा जी 1170 में बनाया गया था, अभी 2080 आसपास चल रहा है, 910 आसपास। देखा दोस्तों आपने, मैंने महाराज जी से बात कराई थी, फिलहाल उन्हें बताया था ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पर कुछ डाकुओं के प्रति कुछ युद्ध हुआ था, उस समय इन माता जी ने उन डाकुओं की मदद की थी, अगर वो उनको बचा लेंगे तो फिलहाल डाकुओं का धन लूटा हुआ वो धन से यहाँ पर माता जी मंदिर का निर्माण कर देंगे। तो ऐसे करके उन डाकुओं को माता जी ने बचा लिया था और फिर इस मंदिर का निर्माण किया डाकुओं ने, और डाकुओं को ना चोरी ठपारी उन्होंने छोड़ दी थी दोस्तों। और फिलहाल मैं आगे भी इस मंदिर की जानकारी आपको दे दूंगा आगे चल के दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों, इतना ही, आगे चलते हैं। प्रॉपर उपनगर देख सकते हो भवाल माता जी का निर्माण किया दोस्तों। भवाल माता माँ प्राचीन समय में भवानगढ़ गांव जिला नागौर में है और दोस्तों ये खेजड़ी के नीचे से पड़ती से स्वयं प्रकट हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर डाकुओं के एक दल को राजा की फौज ने घेर लिया था, और फिर मृत्यु को नज़दीक देख डाकुओं ने माँ से प्रार्थना की थी कि हे माता, अगर ये माँ को याद किया था दोस्तों, और माँ ने अपने प्रताप से डाकुओं को भेड़ बकरियों में बदल दिया और झुंड में बदल दिया। उसके बाद में इस प्रकार डाकुओं के प्राण बच गए और डाकुओं ने उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे को बचा देते हो तो हम आपके यहाँ पर एक मंदिर बना देंगे दोस्तों। ये वही मंदिर है जिसमें न सीमेंट का उपयोग किया है, न किसी मसाले का यूज़ किया है, किसी चीज़ का यूज नहीं है दोस्तों, ओनली फॉर एक पहाड़ी के पत्थर से, ये पता नहीं कौन से पत्थर बताते दोस्तों, उस पत्थर से इस माता का मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों। और फिलहाल मैं और दिखाता हूँ आपको, ये दोस्तों मंदिर 1111 ईस्वी में बना था दोस्तों, और इस मंदिर का निर्माण एक मान्यता के अनुसार 600 पता कितने साल हो गए दोस्तों, पता एकादशी को हुआ था निर्माण। और मंदिर प्राचीन हिंदू स्थापना कला के अनुसार तराशे गए पत्थर आपस में जोड़कर बनाया गया था, सीमेंट जैसे तत्वों से नहीं बनाया गया था दोस्तों। उपयोग मंदिर की और चारों देवी देवताओं के सुंदर प्रतिमाएं लगाई गई थी दोस्तों, और मंदिर के ऊपर भाग में गुप्त कक्ष भी बनाया गया था दोस्तों, और देख सकते हो जिसे गुफा भी कहा जाता है, और इसके द्वारा द्वार को बंद करने के लिए भारी पत्थरों का उपयोग होता था दोस्तों। दोस्त ये है माता जी की कहानी, जो भवाल माता जी आप देख रहे हो, भवाल माता जी के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। ये भवाल माता जी भवानगढ़ के पास में है दोस्तों, और मेरे गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस मंदिर का निर्माण, इस माता जी का निर्माण डाकुओं के द्वारा कराया गया था दोस्तों, आपको पता होगा। क्योंकि दोस्तों फिलहाल बताऊँ तो ये डाकुओं को क्या कि जब एक फौज ने घेर लिया था तो उस फौज ने घेर लिया तो फिर इन डाकुओं ने अरदास की थी सी कि माता जी अगर आप हमारे को बचा देते हो तो हम आपका यहाँ पर एक मंदिर बना देंगे सुंदर सा सुशील सा। और फिलहाल इतना ही कहकर उसने माता जी से मनोकामना पूरी करने के लिए बोला था, तो दोस्तों यहाँ पर माता जी ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी और फिर उनको बचा लिया गया डाकुओं को भेड़ बकरियों को बनाया दुआ के, और उस हिसाब से बच गए वो डाकू, और फिर इस मंदिर का निर्माण हो गया और डाकुओं ने चोरी पोरी सब छोड़ दी। और उसके बाद में दोस्तों इतना ही दोस्तों, कैसा लगा माता जी का इतिहास जो भी आपको बता दिया होगा दोस्तों मैंने फिलहाल, और दोस्तों अब चलने की तैयारी करते हैं। और दोस्तों जो मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये दोस्तों धर्मशाला का व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, देख सकते हो चारों में
ये धर्मशाला की व्यवस्था हो रही है दोस्तों, यहाँ पर आप रुक भी सकते हो, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता है तो माता जी शराब पीती है, और वो भी ढाई प्याला पीती है दोस्तों, आपने देख लिया होगा। लेकिन मंदिर में कैमरा यूज़ करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद में उन्होंने माना और उन्होंने बोला कि आप थोड़ी सी शूट कर सकते हो, पूरी हम शूट करने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे विरुद्ध है। फिर दोस्त इतना ही हुआ, अब दोस्तों चलने की तैयारी करते हैं, और फिलहाल आगे मैं बताता हूँ आगे आपको आगे की कहानी। गाय देख सकते हो, ये जो माता जी का जो शहर है दोस्तों, ये जो शहर है कहते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि इनको कुछ कान में कहा जाता है तो इनकी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। फिलहाल देख सकते हो मैंने भी इनको कुछ बोल दिया है, लेकिन काफ़ी लोग जो भी दो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो बोलते हैं, तो फिर उनको पता चल जाता है, ये इनको बोला जाता है दोस्त, ये कोई परंपरा है यहाँ की। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये माता जी का वीडियो आपको कैसा लगा और माता जी का इतिहास जानकर आपको ऐसा लगा नहीं बताना, कमेंट करके छोटा सा प्यारा रिकमेंड करना दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता जी।